आपने माँ के ममता की कहानी बहुत सुनी होगी माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है कहीं कहीं पर माँ अपने बच्चों के लिए शेर से लड़ जाया करती है क्योंकि जितना प्रेम एक माँ अपने बच्चे से करती है उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता तो नमस्कार आदाब मैं सोनू आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी आशा करता हूँ आपकी फैमिली भी अच्छी होगी ये आज की जो कहानी है बेहद चौंकाने वाली कहानी है इसको सुन करके के आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे ये कहानी स्टार्ट होती है सन 2002 से बिहार में एक बेहद गरीब परिवार रहता है उसमें माँ बाप और चार बच्चे रहते हैं चारों लड़के रहते हैं बड़ा लड़का जो कि महज सत्रह साल का रहता है उसका नाम रिजवान था वो रोज़ी रोटी के लिए बिहार से दिल्ली चला आता है इधर उधर भटकता है काम नहीं कहीं पर मिलता लेकिन कुछ दिन बाद सेंट्रल दिल्ली में एक कसाई की दुकान पर रिजवान को काम मिल जाता है रिजवान उस कसाई के दुकान पर काम करता है कुछ दिन बीतते हैं रिजवान अच्छा कमाने लगता है अपने घर भेजने लगता है परिवार वाले खुश थे फिर रिजवान वहाँ से अपने और भाइयों को दिल्ली बुलवा लेता है वहाँ पर रहता है भाई अलग अलग काम करते हैं रिजवान मीट की दुकान पर मीट काटने का काम करता है कुछ साल बाद रिजवान नशे का आदि हो जाता है वो नशा करने लगता है गांजा पीने लगता है दारू पीने लगता है वहां से जब उसको गांजे और दारू की आवश्यकता होती थी तो वहीं से सटे एक घासर इलाका है वहां पर चला जाता है वहां पर जाकर के दारू पीता है गांजा पीता है झोपड़पट्टी इलाका है वो वहाँ से फिर अपने क्वार्टर पर चला जाता है उसका क्वार्टर और घासर इलाका में महज थोड़ी सी दूरी थी इस वजह से डेली उसका वहाँ पर आना जाना था कुछ साल ऐसे ही बीतते हैं वो भी अकेला ही था तकरीबन सत्रह अट्ठारह साल बीतने के बाद वो घासर इलाके में एक दिन जब गाजा और दारू पीने के लिए जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है वो महिला विधवा थी उसका पति कुछ साल पहले मर चुका था उस महिला के पास एक बच्ची रहती है जो कि छोटी थी उसके बाद रिजवान और उस महिला की दोनों की निगाहें मिलती हैं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं फिर रिजवान को एक और बहाना मिल गया था घासर इलाके में जाने का वहाँ पर गाजा और दारू पीता है जाकर के फिर उस औरत को भी देखना रहता है उसको डेली डेली की मुलाकात उनकी प्यार में बदल जाती है क्योंकि मुलाकात जब एक बार से कई बार होता है तो वो प्यार में ही बदल जाता है दोनों लोग आपस में बातें करने लगे उसके बाद रिजवान का आना जाना उस महिला के घर भी हो गया क्योंकि महिला अकेली रहती थी उसकी वो आठ साल की बच्ची थी कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं उसके बाद दोनों में और प्रेम गहरा होता है रिजवान और वो महिला दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं अब उनकी एक दिनचर्या बन गई थी रिजवान डेली वहां पर जाता था अपना नशा करता था नशा करने के बाद उस महिला के पास जाता था उसके रजामंदी से दोनों लोग यौन संबंध बनाते थे फिर रिजवान अपने क्वार्टर पर चला जाता था एक दिन की बात है रिजवान और वो महिला दोनों लोग कमरे में थे वो जो आठ साल की बच्ची थी वो बाहर थी उसको अचानक कुछ काम लगता है वो कमरे में चली जाती है वहाँ पर जो नज़ारा देखती है वो देखने के बाद लड़की भी परेशान हो जाती है उस लड़की की माँ और रिजवान दोनों लोग आपत्तिजनक स्थिति में थे वो लड़की उनको देख लेती है वहाँ से लड़की हट जाती है रिजवान और वो महिला दोनों कपड़े पहनते हैं रिजवान वहाँ से अपने क्वार्टर पर चला जाता है लेकिन रिजवान रात सो नहीं पाता उसके दिमाग में बस यही एक बात गूंज रही थी कि कहीं अगर उस बच्ची ने किसी से कह दिया तो बहुत बदनामी होगी फिर रिजवान उस बच्ची को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है तीन अगस्त 2022 की रात रिजवान उस महिला के घर जाता है महिला सोई हुई थी महिला को नहीं जगाता है उस आठ साल की बच्ची को वहाँ से उठा के लेके निकल जाता है थोड़े दूर जाने के बाद यमुना नदी के किनारे सोना एरिया पड़ता है वहाँ पर ले जाने के बाद रिजवान सबसे पहले उस बच्ची का रेप करता है बच्ची छोटी थी उसको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है उस बच्ची का रेप करता है रेप करने के बाद वो दुकान से हथियार भी लाया हुआ था जिस हथियार से मीट काटते हैं उसी हथियार को लाया था उसके बाद उस बच्ची का गला काट देता है गला काटने के बाद लाश कोई पहचान ना पाए इस वजह से उस बच्ची का चेहरा भी बिगाड़ देता है फिर वहां पर नदी में फेंक करके रिजवान अपने कमरे पे चला जाता है चार अगस्त की सुबह जब उस बच्ची की माँ जगती है तो देखती है उसकी बच्ची कमरे में नहीं थी वो परेशान हो जाती है उसके बाद चार अगस्त को फिर वो महिला जाती है उस दिन पुलिस गुमसुदगी दर्ज करती है लेकिन उस बच्ची का कुछ खोजबीन नहीं करती है फिर महिला अपनी बच्ची का गुमसुदगी का शिकायत लेकर के दिल्ली महिला आयोग में जाती है महिला आयोग संज्ञान में लेती है और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करती है वहां से नोटिस भेजती है तब दिल्ली पुलिस जाकर के जागती है उसके बाद उस बच्ची का खोजबीन चालू होता है 17 अगस्त को कुछ महिलाएं घासर इलाके में जमुना नदी के किनारे जानवर के लिए चारा लेने गई थी वो महिलाएं चारा काट ही रही थी इतने में उनको कहीं से दुर्गंध महसूस होता है वो महिलाएं नदी के किनारे छोर पर जाकर के देखती हैं तो एक बच्ची की बाड़ी पड़ी रहती है लाश से बदबू आ रहा था फिर वो महिलाएं पुलिस को फोन करती हैं, इलाके के लोग जुट जाते हैं पुलिस आती है बाड़ी निकालती है उस बाड़ी का शिलाना करने के लिए उस महिला को बुलाया जाता है वो महिला आती है वो देख करके पहचान जाती है कि इसी की बच्ची है पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है उसके बाद कातिल को ढूंढने में लग जाती है सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है लेकिन कातिल नहीं समझ में आता कौन है पुलिस परेशान हो जाती है फिर पुलिस उस महिला के पड़ोसियों से पूछताछ करती है एक पड़ोसी बताता है कि इसके यहाँ एक रिजवान नाम का व्यक्ति आता है जो कि इसके घर बार बार आता है लेकिन वो कई दिन से दिखाई नहीं दे रहा है पुलिस उस रिजवान को पकड़ती है रिजवान को जब कड़ाई से पूछताछ किया जाता है तो रिजवान सारी जुर्म कबूल कर लेता है और 18 अगस्त को रिजवान को जेल भेज दिया जाता है एक कलयुगी मां के कारण एक बच्ची की जान चली गई जो कि महज आठ वर्ष की थी उसका बलात्कार भी हुआ उसका जान भी चला गया तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार